अब डिसेबल लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करेंगे। मुझे पढ़ना है टीचर। मैं पढ़ूंगा तो साइंस ही पढ़ूंगा, चाहे जो हो जाए। समझ नहीं रहे, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा MIT में एडमिशन हुआ है। आई कैन नॉट लेट यू बिकॉज़ आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, प्लीज, समवन प्लीज हेल्प मी। लोगों को तो लगता है कि ये ट्रेन में गाना गाने के लिए ही बने हैं। मुझे भीख नहीं मांगनी है, मुझे पढ़ना है टीचर। दोस्तों, ये फिल्म कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में आंध्र प्रदेश के गरीब किसान परिवार के श्रीकांत भोला लड़के की कहानी है, जो आंखों से अंधा होता है और उसके अंधेपन का हमेशा से लोग मजाक बनाते हैं। और जैसे ही श्रीकांत ने बहुत संघर्ष के बाद 10वीं की पढ़ाई अपने दम पर पूरी की और वह आगे साइंस से 11वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें अंधे होने की वजह से किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं दिया। लेकिन इसके बाद भी श्रीकांत चुप रहने वालों में से नहीं थे, तो उन्होंने स्कूल के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट पहुंच गए और स्कूलों के खिलाफ केस किया। और फिर केस जीते ही नहीं, बल्कि बाद में आंध्र प्रदेश के एजुकेशन लॉ को बदलकर सभी अंधे बच्चों के लिए ब्लाइंड स्टूडेंट साइंस पढ़ने के लिए द्वार खोल दिए। और उसके बाद श्रीकांत ने 12वीं में 98% अंक हासिल किए, लेकिन इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी IIT ने उन्हें अंधे होने की वजह से एडमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन इसके बाद भी श्रीकांत ने हार नहीं मानी, विदेश में MIT कैम्ब्रिज में अप्लाई किया और सेलेक्ट हो गए। MIT को US का बेस्ट टेक्निकल इंस्टीट्यूट माना जाता है। MIT से US से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रीकांत को देश विदेश से नौकरियों के ऑफर आने लगे, लेकिन उन्होंने इन सब नौकरियों को ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी तरह हर कोई अंधे डिसेबल बच्चे पढ़ाई करने के लिए इतनी लंबी और मुश्किल लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसीलिए उन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए भारत में एक बोलेंड इंस्टीट्यूट कंपनी की शुरुआत की, जिसमें सोशल डिसेबल व्यक्तियों को काम मिल सके। और साल 2012 में श्रीकांत की इस कंपनी के लिए रतन टाटा जैसे लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया और आज इस कंपनी में हजारों से भी ज्यादा गरीब दिमाग से तो तेज अंधे डिसेबल कर्मचारी ही ज्यादा काम करते हैं।